तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सीजन टू में है, क्योंकि आप हर वक्त एक ही नाम लेते रहते हैं, दैट इज एल्विश एल्विश एल्विश। तो कल बिग बॉस के घर में मीडिया कॉन्फ्रेंस थी और वहां पर मीडिया वालों ने अरमान मलिक से पूछा कि आप घर में बार बार एल्विश यादव का नाम क्यों लेते हो, मतलब आप बार बार एल्विश यादव के बारे में ही क्यों बात करते हो। ये ओटीटी सीजन 3 है लेकिन आपको देख करके लगता है कि आप ओटीटी सीजन 2 में हो। मीडिया वालों ने एल्विश यादव को लेकर के अरमान से ये क्वेश्चंस किए और अरमान ने भी इस चीज का रिप्लाई दिया। तो चलिए मैं आप लोगों को वो वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। अच्छा अरमान, एक क्वेश्चन पहले आपसे है कि ये कौन से बिग बॉस ओटीटी में, हम कौन सा सीजन है ये? पहले तो थर्ड वाला सर, थर्ड है जी। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सीजन टू में है, क्योंकि आप हर वक्त एक ही नाम लेते रहते हैं, दैट इज एल्विश एल्विश एल्विश। वीकेंड के बारे में भी आपने उनके खिलाफ कुछ कहा था, आप ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर का मुद्दा है, यहाँ से आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं कि बाहर कोई ना कोई रीजन से कॉन्ट्रोवर्सी हो या कुछ ना कुछ चलता रहे, यहाँ तक कि उनके जो दोस्त थे वो नाम नहीं ले रहे लेकिन आप ज्यादातर नाम लेते रहते हैं। तो सर मुझे क्या लग रहा था ना, ये प्री प्लान है कि बाहर से चीज़ें वो देख के आया कोई और समझ के आया है, और उस दिन जब साईं के साथ झगड़ा हुआ था तो मुझे लग रहा था उस दिन रियल पर्सनालिटी बाहर आई थी गाली को लेके, और चीज़ें अगर जिस दिन एक बाहर वाला भी बना था तो मैंने सना मकबूल को बोला था ये वो आदमी है, एक बाहर का एक्सपीरियंस था, एक बाहर वाला था और चीज़ों को समझ के आया कि तुझे कहाँ पर बोलना है, कितना बोलना है। क्योंकि एक इंसान है, समझो कि मैं अगर ओटीटी में आता हूँ और उसके बाद कृतिका आती है, मैं कृतिका को एक एक चीज़ समझाऊंगा कि तुझे एक वीक ये करना है, दूसरे वीक झगड़ना नहीं, अगर तीसरे वीक बात हो तो तुझे करनी है, तो वो चीज़ें मुझे लगा और मैं बात करता हूँ। सेंसलेस बातें कर, इनको पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आधी बार नहीं पता होता सर, आपको पता ना, इसको नहीं पता होती, यही यही दिक्कत है। अरे भाई वो बंदा अलग है, मैं बंदा अलग हूँ, मैं अपनी चीज बताऊंगा वो अपनी चीज बताएगा, क्या बातें कर रहे हो तुम। अगर आपको इसका पूरा मीडिया कॉन्फ्रेंस देखना है तो वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हो। और हाँ, अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि एल्विश यादव के ऊपर अरमान ने जो कहा वो उनके हिसाब से सही है या गलत है, ये चीज मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना।